हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जो क्ले कलरफुल मिट्टी ले लिया है और ये इस कार्डबोर्ड पे हमने वाइट पेज चिपका दिया है। अब इस क्ले से हम फ्लावर, सन और कुछ बदल वगैरह बनाएंगे। अब हमने ब्राउन कलर की ये क्लेम ले लिया है, इसको काटेंगे बीच में से। हमने इस मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, फिर इस बेलन की सहायता से इसको थोड़ा लंबा कर लिया है ताकि इससे डिजाइन अच्छी तरीके से आ जाए। अब हमने इस डिजाइन को इस पे चिपका लिया है कार्डबोर्ड पे। कितनी सुंदर डिजाइन है। अब हम ग्रीन कलर की फ्लेम ले लिए हैं, अब इसको बेलेंगे। अब हम इसकी सहायता से हम एक ट्री बनाएंगे। अब हमने इस ट्री की कटिंग कर ली है, सुंदर सा ट्री बन चुका है ये। अब इसको कार्ड पेपर पर चिपका देंगे। ये क्लेम के द्वारा बनाया गया है सुंदर सा ट्री। अब ये रेडी हो चुका है, ये सुंदर सा ट्री बन गया है। अब इसको कार्ड पे चिपका दूंगी। अब हमने इस ट्री को चिपका दिया है फेविकोल की सहायता से, और ये इससे ये हिलता डुलता भी नहीं है। ये देखो, हमारी लाइट चली गई है। और ये बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स फ्लावर्स लगाएंगे। बना देंगे येलो कलर के। अब हम येलो कलर की ये लेंगे मिट्टी। ये फ्लावर्स काट लिए हैं, इनको ये हार्ड बोर्ड पे चिपका देंगे। मौसी, जब वो बंदी है जब अब बड़ा भी रोटी बहुत ज्यादा कीड़ा मकोड़ा है। कितना साला ले रखा है तुम्हें भी रजिस्ट्री जिपको अच्छा रोना रखा है रजिस्ट्री रोना रखा की कराओ ना तो तू कराओ तो खुद ही लाने। अब हम इस सारे फ्लावर्स को इस पे चिपका देंगे। अपना मकान जरे बीमे रहे हो जब तो हाँ बस स्टैंड में मकान भाई साहब ही देखो हमारे ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस पे डिजाइन आ गई। अब इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नेम्स रह गए हैं, जो नेम्स लिखना बाकी है बस। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है ये। अब ये बन चुका है, अब इसमें नाम लिखना बाकी है।